नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी खबर एक और किसान आंदोलन को लेकर सामने आ रही है। हरियाणा में हरियाणा सरकार की सहयोगी पार्टी जेजेपी यानी कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की पार्टी को करनाल में एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। कल जिस तरह से करनाल में पार्टी के जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा सौंपा था, वहीं आज करनाल में एक बार फिर जेजेपी के आईटी सेल के जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा सौंपने के साथ साथ जो तस्वीरें करनाल से सामने आई हैं वो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की धड़कने तेज कर देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि जेजेपी के जितने भी नेता हैं उन्होंने जेजेपी की झंडियां अपनी गाड़ियों से उतार कर जो किसान आंदोलन की भारतीय किसान यूनियन की झंडियां हैं उन्हें अपनी गाड़ियों पर लगा लिए हैं। और किसानों को लेकर जेजेपी नेताओं का साफ तौर पर यही कहना है कि वो अब किसानों के समर्थन में खुलकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बात यह भी कहने वाली है क्योंकि अभी तक डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जो कि ताऊ देवीलाल के नाम पर सियासत करते आए हैं, ताऊ देवीलाल के नाम पर राजनीति करके ही जननायक जनता पार्टी जो है उसका गठन किया गया था, लेकिन अभी तक दुष्यंत चौटाला की तरफ से कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया किसानों के समर्थन में नहीं आई है जिसको लेकर ये कहा जा सके कि जेजेपी जो है वो किसान हितैषी पार्टी। और शायद यही वजह है कि अब जेजेपी के जो नेता हैं जिला स्तर पर वो अपनी ही पार्टी के बागी होते हुए नजर आ रहे हैं। कल जिस तरह से जेजेपी के जिलाध्यक्ष करनाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, पार्टी भी छोड़ी थी, उसी तरह से अब आज आईटी सेल के जो जिलाध्यक्ष हैं जेजेपी के उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और तस्वीरें आपको साथ साथ दिखा रहे हैं कि किस तरह से जेजेपी की झंडियाँ गाड़ी से उतार दी गई हैं और भारतीय किसान यूनियन की झंडियाँ जो हैं वो गाड़ियों पर लगा ली गई हैं। और साफ तौर पर यही कहना है कि हम किसानों के समर्थन में हैं, पार्टी को बड़ा लंबा वक्त दिया, लेकिन पार्टी को अब कहीं ना कहीं यही उम्मीद थी कि दुष्यंत चौटाला सियासत का मोह छोड़ेंगे और किसानों के समर्थन में आएंगे, क्योंकि पार्टी जब बनी थी तो बात किसान की हुई थी, बात जमीन की हुई थी, लेकिन अब दुष्यंत चौटाला जो हैं मुद्दे से कहीं ना कहीं भटकते हुए नजर आ रहे हैं। और इतने लंबे समय से क्योंकि दुष्यंत चौटाला जो हैं किसान आंदोलन पर चुप्पी साधे हुए हैं तो वो भी कहीं ना कहीं पार्टी के अंदरूनी नेताओं को ही खटकने लगी है ये बात। तो ये जो तस्वीरें सामने आई हैं ये दुष्यंत चौटाला के लिए कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में मुसीबतें खड़ी कर सकती हैं। क्या कुछ कहना है करनाल के किसान नेताओं का? इन्हें अब हम किसान नेता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेजेपी पार्टी से ये अलविदा कह चुके हैं। सुनवाते हैं आपको कि उनका क्या कुछ कहना है। हमारा जन्म किसान के घर में हुआ है और इस समय जो देश के ऊपर किसान विरोधी ताकतों का राज है और हमारे हरियाणा में भाजपा के साथ जननायक जनता पार्टी का गठबंधन है, तो हम लगातार आंदोलन में देख रहे हैं 200 से ज़्यादा किसान अपने हकों की लड़ाई के लिए जो तीन काले कानून हैं इनके खिलाफ लड़ाई जो चल रही है उसमें शहीद हो चुके हैं। तो किसानों के लिए हमने चौधरी देवीलाल के कारण इस पार्टी को ज्वाइन किया था और काफ़ी 20 से 25 साल तक सेवा करी पार्टी की, तो आज भारी मन से पार्टी से त्याग पत्र दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही है जननायक जनता पार्टी। अगर दुष्यंत जी समय अपना समर्थन बीजेपी से वापस ले लेते तो कहीं ना कहीं हरियाणा में सरकार गिर जाती और केंद्रीय सरकार पर दबाव पड़ता और जो तीन कृषि काले बिल हैं ये मजबूरन केंद्रीय सरकार को वापस लेने पड़ते, लेकिन दुष्यंत जी ने समर्थन उनके साथ जारी रखा, समर्थन वापस नहीं लिया और किसान आज संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने किसानों की भावनाओं को कदर नहीं की। तो इसीलिए हम बड़े दुखी मन से किसान परिवार से हम सब लोग जुड़े हैं, किसानी के लिए अपनी खेती फसलों को बचाने के लिए आज हम इस्तीफा दे रहे हैं। तो क्यों इस्तीफा दिया? लगता है कि जो पार्टी के नेता हैं वो नाराज जरूर होंगे। देखिए राजनीति बाद में, इस समय बात किसानों की है, किसानों के ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। हमारी खेती फसलें जमीन कॉरपोरेट घरानों के पास जाने वाली हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हमारे ऊपर कानून थोपा जा रहा है, तो राजनीति तो चलती रहेगी। हमारा पहला कर्तव्य है किसान के घर में पैदा होने, खेती और किसानी, उसी के लिए जो हमने दिया है, कोई नाराज हो कोई बात तो नहीं। कल किसने इस्तीफा दिया था और आज आपके हाथ कौन कौन दे रहे हैं? हमारे बहुत ही सीनियर नेता पिछले 30 सालों से चौधरी देवीलाल विचारधारा से जुड़े आदरणीय सरदार इंद्रजीत सिंह गुराया जो जनरल बॉडी के जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था, वो भी किसानों से खेती से जुड़े हुए थे, इन तीन काले कानूनों के खिलाफ थे, लगातार 2 महीने से आंदोलन में किसानों के साथ डटे हुए थे, संघर्ष कर रहे थे, कल उन्होंने इस्तीफा दिया था, आज हमारी भी आत्मा कौन-कौन है दुखी थी। मेरे साथ गरौंडा से हल्का अध्यक्ष हैं गगसीणा गांव से भाई दलबीर संधू जी, और दीप शर्मा जी हैं नरुखेड़ी से असंध के हल्का अध्यक्ष हैं, और कुछ हमारे हल्का अध्यक्ष आज सिंधु बॉर्डर पे गए हुए हैं किसानों की से, वो पहुँच नहीं सके, एक दो दिन में वो भी, और भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। कल मेरे भाई शहनूर शरण
जो इनसो मीडिया इंचार्ज हैं उन्होंने भी, वो भी असन से हैं, उन्होंने कल अपना फेसबुक पे इस्तीफा डाल दिया। जो हमारी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र से हैं और कृषि से जुड़े हुए हैं। आज जो पूरे देश में, पूरे देश ही नहीं पूरा विश्व हमारा इस जो शांतमयी किसान आंदोलन है इसके साथ जुड़ा हुआ है, भावनात्मक तौर पर भी वैसे भी समर्थन दे रहा है। तो हमारे साथी जो हैं आज, ये पहले भी सेवा करते रहे हैं बहादुर जी, और ये सारी आईटी सेल की जितनी भी है अपने सेल के माध्यम से भी और वहाँ पर जाकर के भी हमारे साथ, हम इकट्ठे वहाँ पर पिछले 1.5-2 महीने से सेवा कर रहे हैं। और आज इन्होंने अगर पार्टी से अलग होकर के किसान यूनियन के झंडे के नीचे काम करने का फैसला लिया तो मैं इनकी सराहना करता हूँ। कल आपने पार्टी छोड़ी तो लीडर्स के फ़ोन तो आए होंगे जरूर आपके पास। अब मेरे को लीडर्स के भी फ़ोन आए हैं और सभी पार्टियों के फ़ोन आए हैं, सभी ने इस मेरे जो फैसला था उसे सराहा है। और जो कुछ साथी ये चाह रहे थे कि मैं कोई पार्टी ज्वाइन करूं, मैंने उन्हें कह दिया मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा, जब तक ये हमारा आंदोलन चल रहा है तब तक किसी भी पार्टी में जाने का मेरा कोई। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला या अजय चौटाला से कोई बातचीत हुई हो? नहीं, मेरी उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन उनके माध्यम से कुछ बातें आई है। वो मेरे लिए डॉक्टर अजय सिंह जो है वो बड़े भाई की तरह हैं, लेकिन ये मामला जो है ये किसानों का मामला है, मेरे लिए किसान पहले हैं, बाकी सारी बातें। पार्टी और पद दोनों से इस्तीफा दे दिया? बिल्कुल। तो आगामी रणनीति क्या रहेगी? आगामी रणनीति, हम किसान आंदोलन में शामिल हैं और शामिल रहेंगे, और इसका जब तक ये हल नहीं हो जाता हम किसानों के साथ खड़े हैं। तो अगर ऐसे इस्तीफा देने का दौर जारी रहा तो पार्टी में कौन रहेगा? पार्टी तो देखो चलती रहेगी, पार्टियाँ चलती रहती हैं, लेकिन हम अपने तौर पर जो है किसानों के साथ हैं और बाकी साथियों से अपील करेंगे, बेशक किसी पार्टी में भी कोई साथी है वो आज किसानों के साथ खड़ा हो। पूरे देश को के जितने भी नागरिक हैं सभी से अपील है, क्योंकि ये हक और सच की लड़ाई है, इसमें किसानों का और किसान आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। तो दुष्यंत चौटाला से क्या नाराज है आप? नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं है, नाराज वाली कोई बात नहीं है। मैंने उन्हें अपना व्यू बता दिया था कि हम जो है किसान हैं, किसानों को इस नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम किसानों के साथ खड़े हों। तो आपने समझाया भी था कुछ उनको? हाँ बिल्कुल, हम बार बार, एक बार नहीं, हम कई बार उनसे मिल के बात भी कर चुके हैं, कई बार व्हाट्सएप के माध्यम भी बात होती, कई बार मिल के बात होती थी, पार्टी के हमारे अध्यक्ष जी के अध्यक्ष जी से बात होती रहती थी, और वो सारे मानते थे कि आप ठीक कर रहे हो, लेकिन क्योंकि वो पार्टी में शामिल है, उप मुख्यमंत्री हैं, तो शायद उन पर किसी प्रकार का दबाव होगा। अन्य जिलों में क्या कुछ स्थिति होगी जेजेपी नेताओं की, क्या कुछ जेजेपी नेता स्टैंड लेंगे, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अपडेट लगातार आपको देते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ की ऐप भी डाउनलोड कीजिए।